और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। सर्वे के लिए कमीशन को मंजूरी, ये हाईकोर्ट ने कहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, हाईकोर्ट ने कहा कि सर्वे के लिए कमीशन को मंजूरी। तो बड़ी जानकारी क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दे रहा है। आपको बता दें कि सर्वे के लिए कमीशन को मंजूरी दे दी गई है, हाईकोर्ट ने ये जानकारी साझा की। तो सर्वे के लिए कमीशन को मंजूरी यहां पर मिल गई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब सर्वे हो पाएगा क्योंकि कमीशन को मंजूरी मिल चुकी है, जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म और हाईकोर्ट ने कमीशन को मंजूरी दे दी है, सर्वे के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी फर्स्ट इंडिया न्यूज आपसे साझा कर रहा है। आपको बता दें कि कमीशन को सर्वे के लिए मंजूरी मिल चुकी है, हाईकोर्ट के द्वारा ये मंजूरी मिल चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा इस वक्त की मथुरा से जुड़ी हुई, तो सर्वे के लिए कमीशन को मंजूरी मिली है हाईकोर्ट के द्वारा। तो बड़ी जानकारी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में सर्वे को लेकर कमीशन को अब मंजूरी मिल चुकी है, मंजूरी के बाद सर्वे शुरू किया जाएगा, ये भी जानकारी आपको दे दे। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी एहतिशाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए एहतिशाम, जिस तरह से कृष्ण भूमि के लिए सर्वे को लेकर लगातार जो है प्रयास किए जा रहे थे, ऐसे में कमीशन को इसको लेकर जो है मंजूरी मिल गई है, एक बार जानकारी दीजिए। देखिए लगातार ये मामला भी विवादित रहा है और सर्वे की बात कही जा रही है, तो सर्वे को मंजूरी दिया है कोर्ट ने। अब देखने वाली बात है कि आगे का प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि काफी जटिल प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया पूरी तरह से कोर्ट में विचाराधीन है। और ऐसे में एक अच्छी खबर है कि जो चीज विवादों में रहती है और उसमें कोई सर्वे होता है तो उसका एक निष्कर्ष निकलता है। तो अब फैसले आने के बाद और भी क्या क्या इसमें कोर्ट ने कहा है उसके बाद तक निकलकर सामने आएगा, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक रूप से कोई ऑफिशियली बयान जारी नहीं कर रहा है। लोगों का कहना है कि अब जब तक कोर्ट के पेपर नहीं आ जाते तब तक बोलना अभी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल एहतिशाम, क्योंकि देखिए इंतजार बहुत लंबा हो गया था, विवादित है ये जो भूमि है, ऐसे में अब ये जो मंजूरी मिली है वाकई खुशखबरी है, क्योंकि देखिए दोनों पक्ष के लिए अच्छी खबर है क्योंकि कमीशन को मंजूरी मिल गई है और अब इस मंजूरी मिलने के बाद जो सर्वे है वो शुरू हो जाएगा। यह देखिए एक कमीशन बना दिया जाता है और कमीशन अपनी एक रिपोर्ट पेश करता है और दोनों पक्ष की सुनता है, उस कमीशन में दोनों पक्ष के मेंबरांस रहते हैं। तो कोर्ट ने यह साफ तौर से कहा है कि कमीशन बना के इसकी सर्वे करा के इसकी रिपोर्ट दिया जाए, लेकिन जो कोर्ट्स के आर्डर है, दोनों पक्ष का कहना है कि एक बार आर्डर मिलने के बाद ही हम उससे कुछ कह सकते हैं। और प्रशासनिक अफसरों का यह कहना है कि हमारे पास अभी ऑर्डर्स की कॉपी नहीं आई है, वो ऑर्डर्स की कॉपी आती है और कोर्ट क्या दिशा निर्देश देता है उस दिशा निर्देश पर हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो उच्च अदालत में जाकर इसकी बात रख सकता है। जी बिल्कुल एहतिशाम, आपने जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है मंजूरी दे दी गई है, कमीशन को ये मंजूरी मिल गई है, अब जो सर्वे है वो आसानी से शुरू हो पाएगा क्योंकि कमीशन को सर्वे के लिए हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा है और आपको बता दें कि दोनों पक्षों ने अपनी याचिका यहाँ पर दी थी और ऐसे में अब कमीशन बनाकर और उस कमीशन को मंजूरी मिली है, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। तो मथुरा से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए कमीशन को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों ने याचिका दी थी और हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है कोर्ट ने, मानी एडवोकेट कमिश्नर नियुक्ति की मांग। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मथुरा में ईदगाह मस्जिद को लेकर ये बड़ी खबर और ऐसे में अब हाईकोर्ट ने कमीशन नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। तो कमीशन नियुक्ति के लिए मंजूरी मिल गई है, सर्वे के लिए कमीशन को मंजूरी दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की कमीशन नियुक्ति को लेकर जो है नियुक्ति इसकी मांग लगातार की जा रही थी, तो ऐसे में इसको लेकर भी मंजूरी मिल गई है, तो दूसरी और सर्वे को लेकर मंजूरी दे दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है मथुरा से। और आपको बता दें कि कमीशन नियुक्ति को लेकर मंजूरी मिली है, सर्वे को लेकर मंजूरी मिली है, दोनों पक्ष ने याचिका दायर की थी, हिंदू पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने कमीशन नियुक्ति के लिए मंजूरी दी है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए कमीशन को मंजूरी दे दी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है और कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्ति की मांग को मान लिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की।
है मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कमीशन नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। तो बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि हाईकोर्ट ने कमीशन नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है, उसको लेकर मंजूरी दे दी है। आपको जानकारी दे दें कि हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए कमीशन को मंजूरी दी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 7-11 एप्लीकेशन शुड बी डिसाइडेड फर्स्ट एंड एडवोकेट कमीशन शुड नॉट बी डिसाइडेड, दैट आर्ग्यूमेंट हैज बीन रिजेक्टेड। द कोर्ट हैज इन प्रिंसिपल एग्रीड विद आवर डिमांड दैट एडवोकेट कमिश्नर मस्ट बी इशूड। हु विल बी द एडवोकेट कमिश्नर, वेदर विल बी अ 3-member पैनल, व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ एडवोकेट कमिश्नर, व्हाट विल बी द मोडालिटीज, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिसाइडेड ऑन 18 December। My demand was that in this Shahid Gah Masjid there are lot of signs and symbols of Hindu temple, and to know the actual factual position an advocate commissioner panel is required, and therefore the honorable court has accepted my application, allowed my application, and this order has been passed today. Big victory. Yes, it's a very big important landmark judgment by the honorable Allahabad High Court. बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया। और आपको ये भी बता दें कि इलाहाबाद एडवोकेट कमीशन की एप्लीकेशन सुनी जाए, उस आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडालिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडालिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है, एडवोकेट कमीशन वहाँ जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी एप्लीकेशन 130 गा, उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। डेट कोई दी है, कोई डेट है ऐसी कि 18 दिसंबर कब एडवोकेट कब जाएगा? 18 दिसंबर को मोडालिटीज तय होंगी कि एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, क्या उसकी मोडालिटीज होंगी, कब से कब तक होना है, वो सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। तो बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दी है, कमीशन की नियुक्ति को लेकर मंजूरी दे दी गई है, सर्वे को लेकर ये मंजूरी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया। तो लंबा विवाद था इस जमीन को लेकर, और ऐसे भी अब सर्वे के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंजूरी मिलना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मथुरा से और श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमेटी की नियुक्ति को मंजूरी दी है और साथ ही सर्वे को लेकर भी मंजूरी मिली है।